गुड मॉर्निंग बच्चों, ईवीएस की क्लास में आज आपका स्वागत है। ईवीएस में बच्चों हमने चैप्टर 21 ख़त्म किया था, जिसमें कि हम लोगों ने फैमिली कैन बी डिफरेंट के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग तरीके की कई तरीके की फैमिलियां हो सकती हैं। ज्वाइंट फैमिली हो सकती है और न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है और फैमिली में अलग अलग तरीके से मेंबर हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट राइट, माने अपने दाहिने और बाएं के बारे में कि हमारा दाहिना क्या है, बायां क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जब उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पिक्चर है, हाथ की हथेली की पिक्चर है। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ हैंड, प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पाम फेसेस द पेपर, योर थंब एंड फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर। अब इसमें जो ये पिक्चर दिख रही है, इसमें हमको अपनी हथेली को, ये जो हथेली है इसको जो है इस तरीके से रखना है कि अंगूठा इसी के ऊपर देखिए ऐसे आ जाए और बाकी अंगुलियां इस तरीके से इसमें आ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इसमें आ रहा है। तो अब जिस हाथ की हथेली को आपने इस पे रखा, आपको बताना है कि ये कौन सा हैंड आपने, कौन सी हथेली है, कौन सा हाथ है। तो ये हमारा राइट हैंड है, कौन सा रहा है, राइट हैंड। अब इसके बाद देखें, द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज योर राइट हैंड। बताया आपको कि जो हाथ उसमें फिट हो रहा है, अंगूठा इस साइड में है, देख रहे हैं अंगूठा इस साइड में। अगर लेफ्ट होता तो वो अंगूठा इस साइड में होता, इस साइड में ऐसे करके अंगूठा होता। तो ये राइट साइड है जिसमें कि फिट हो रहा है। प्लेस योर अदर हैंड ऑन द पेज इन योर नोटबुक। तो अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी पर आपको दूसरे हाथ की हथेली को ड्रॉ करना, आउटलाइन को, जैसे ये इसमें बुक में बना हुआ है, ये उसी तरीके से आप अपने लेफ्ट हैंड को, क्या, बाएं हाथ को, उसमें उल्टा हाथ जिसको कहते हैं, बाएं हाथ को उस पर रख करके आप ट्रेस करना आउटलाइन विद योर राइट हैंड, माने अपने दाहिने हाथ से उसको बाएं हाथ की हथेली को रख करके उसमें ड्रॉ करना है एंड गेट द पिक्चर, ताकि आपको उसको उसकी पिक्चर समझ में आए। द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस्ड इज योर लेफ्ट हैंड। अब इसमें जो आपने वो किया वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। दाहिने हाथ से आपने ड्रा की और हथेली कौन सी रखी, बाएं हाथ की रखी, तो आपका लेफ्ट, माने लेफ्ट को हिंदी में बायां कहते हैं और राइट को दाहिना बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक पोयम है जिसको कि हम थोड़ा देखेंगे। पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड ऑन इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। अपने दाहिने हाथ को अंदर रखिए, बाएं हाथ को अंदर रखिए, दाहिने हाथ को अंदर रखिए, दाहिने हाथ को बाहर रखिए और दाहिने हाथ को अंदर रखिए एंड जस्ट टर्न और एक बार घूम जाइए। पुट योर लेफ्ट हैंड इन, पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, अंदर रखिए बाएं हाथ को, बाएं हाथ को और बाहर रखिए एंड पुट योर हैंड इन और बाएं हाथ को फिर अंदर रखिए एंड जस्ट टर्न अराउंड और एक बार पूरा घूम जाइए। तो इस तरीके से क्या है ये, आप पोयम ये है और पैर के लिए भी एक पोयम आप बना सकते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्लासरूम के सिचुएशन के हिसाब से हैं, तो ये आप अपने क्लासरूम के सिचुएशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो आमतौर पर जो जनरल क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। जैसे
इसमें देख लेते हैं व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट, वहां पर आपके बाईं तरफ क्या है, तो उसमें दाहिने तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ क्या होती हैं, बेंचेज होती हैं, क्या होती हैं, बेंचेज होती हैं और विंडोज होती हैं, बेंचेज और विंडोज होती हैं। व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू, आपके पीछे क्या होता है, वॉल होती है और डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, वॉल और डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, और ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग, किसके बाईं तरफ आप बैठे हैं, माने जो आपके दाईं तरफ होगा, जो आपके दाहिनी तरफ होगा उसके बाईं तरफ आप बैठे हैं, तो उस बच्चे का नाम लिखना है कि जो कि जिस बच्चे के बाईं तरफ आप बैठे हैं, ठीक है, तो ये नाम लिखना है बच्चे का। और व्हाट इज देयर ऑन योर राइट, आपके दाहिनी तरफ क्या है, टेबल्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, तो ये स्कूल की सिचुएशन माने क्लास की सिचुएशन के हिसाब से आपको लिख सकते हैं, लिखना है आपको, ठीक है, टेबल्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं। अब व्हाट इज हु इज सिटिंग ऑन योर राइट, आपके दाहिने तरफ कौन बैठा है, माने जिस बच्चे का बायां हाथ आपकी तरफ होगा उसके वो आपके दाहिनी तरफ बैठा होगा, तो उस बच्चे का नाम आपको लिखना कि आपके दाहिनी तरफ कौन बैठा है। व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके सामने क्या है, सामने ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर की चेयर और टेबल्स होती हैं, तो ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है और टीचर्स चेयर और टेबल होता है, चेयर और टेबल होता है, किसकी, टीचर की, टीचर्स चेयर टेबल, ठीक है। अब ऑन हूज राइट आर यू सिटिंग, किसकी दाहिने तरफ आप बैठे हो, उस बच्चे का नाम लिखना है जिसकी दाहिनी तरफ आप बैठे हो, माने उस बच्चे का जो बायां हाथ हाथ है, तो आपके जो बाएं तरफ है वही उसके दाहिने तरफ, उस बच्चे के दाहिने तरफ, माने आपका बायां हाथ जो बच्चा बैठा हुआ है वो उसके दाईं तरफ आप बैठे होंगे, तो ये है। आगे देखते हैं पेज नंबर 146 में, दिस इज ए पिक्चर ऑफ विद रुचिरा इन द सेंटर, ये एक पिक्चर है जो कि सेंटर में बीचों बीच रुचिरा बैठी है, इन दिस पिक्चर, अब इसमें ड्रा करना है क्या, बुक बिहाइंड रुचिरा, एन एनिमल ऑन रुचिरास राइट, ऑन चेयर अ चेयर ऑन रुचिरास लेफ्ट, अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, तो उसके दाहिने बाएं ऊपर और नीचे माने सामने और पीछे आपको ड्रा करना है, तो क्या ड्रा करना है, अ बुक बिहाइंड रुचिरा, पहले ड्रा करना है रुचिरा के बिहाइंड, तो ये तो फ्रंट है, ये फ्रंट है, इसके पीछे ये बुक आपको ड्रा करनी है इस तरीके से, ये देख रहे हैं, तो ये ईवीएस आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बुक ड्रा करके आप ईवीएस लिख सकते हैं, तो ये बुक हो गई। और अ चेयर ऑन रुचिरास लेफ्ट, और एक रुचिरा के लेफ्ट में एक ये चेयर बना सकते हैं। अब आगे एन एनिमल ऑन रुचिरास राइट, और रुचिरा के दाहिनी तरफ, ये जो हाथ आप देख रहे हैं रुचिरा का हाथ के अंगूठा इस साइड में है, इसलिए ये आपका साइड, ये साइड हो जाएगा रुचिरा का राइट साइड, तो इधर साइड में ये एक एनिमल आपने बना दिया, हमने ये डॉग को बना दिया, ये राइट साइड हो गया। इसके बाद अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, ये रुचिरा का फ्रंट साइड है, इधर ये हमने देखिए ट्री बना दिया, तो आपको ये बनाना है। तो बच्चों ये हमने
इसमें जो है ये तीन पेजेस पढ़े, 144, 145 और 146, बाकी हम आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। अब इसमें हमको रुचिरा को गाइड करना है कि अपने स्कूल से घर कैसे पहुंचेगी पहुंचेगी। तो रुचिरा का ये देखिए घर है और ये यहाँ पर देखिए रुचिरा खड़ी हुई है। तो अब इसमें देखिए ये बना हुआ देख रहे हैं, ये इसमें कलर पेंसिल से करना है, मेरे पास नहीं है तो मैं ब्लैक पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रुचिरा यहाँ से राइट टर्न लेगी और फिर उसके बाद देखिए इसके जब राइट टर्न लेगी तो इसके लेफ्ट साइड में देखिए हाउस है और हैंडपम्प है, हाउस और हैंडपम्प इसके लेफ्ट साइड है। और फिर इसके बाद ये अपने लेफ्ट टर्न लेगी, देख रहे हैं ये लेफ्ट टर्न लेगी और जैसे ही लेफ्ट टर्न लेगी उसके राइट साइड उसके राइट साइड ये ट्री है, पेड़ है। और आगे जो है आप जब देखते हैं जैसे ये टर्न लेंगे तो इसके राइट साइड में ये पार्क है, जो पार्क है ये इसके राइट साइड पड़ेगा और इसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न कर जाएगी, क्या करेगी लेफ्ट टर्न कर जाएगी ऐसे। तो ये लेफ्ट टर्न करने के बाद आप देखिए अब आगे जैसे बढ़ती है तो इसके राइट साइड देख रहे हैं ये वेल पड़ता है, तो आगे जैसे ही बढ़ती है राइट साइड लेफ्ट पर वेल पड़ता है तो उससे फिर वो अपने राइट टर्न हो गई, देख रहे हैं ये ऐसे राइट टर्न हो गई राइट टर्न। तो जैसे ही राइट टर्न होती है उसके राइट साइड क्या पड़ता वेल और आगे जैसे बड़ी पोस्ट ऑफिस पड़ता है राइट साइड, और जैसे ही पोस्ट ऑफिस से आगे बढ़ती है तो फिर अपने राइट टर्न लेगी, क्या करेगी राइट टर्न लेगी माने दाहिने मुड़ेगी। और ये जैसे ही राइट टर्न लिया ये यहाँ पे देख रहे हैं आप शॉप है, उसके किस साइड पड़ेगा लेफ्ट साइड पड़ेगा, कौन से साइड पड़ेगा लेफ्ट साइड पड़ेगा। और फिर इसके बाद आप देखिए आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो लेफ्ट साइड फिर एक ट्री पड़ता है, फिर एक ट्री पड़ता है और ट्री के बाद जब से ही आगे बढ़ती है उसके उसका स्कूल आ जाता है राइट साइड ही और ये वो अपने स्कूल पहुंच जाती है। तो बच्चों ये हमने मैप देखा और इस मैप में के को इसको अगले पीरियड में फिर से हम डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम हल भी करेंगे। तो इस मैप को फिर से हम 147 के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।